तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है भाजपा के वरिष्ठ नेता, हायाघाट विधानसभा के भाजपा नेता अश्विनी यादव। शिवशंकर सिंह यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, दक्षिणी बहन दक्षिणी के। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं सभी कार्यकर्ता, भारत माता की जय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा के हथौड़ी में आज घर घर जाकर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया है। बता दें कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर विभिन्न गाँव में, खासकर हथौड़ी दक्षिणी गाँव में जाकर विभिन्न घरों में यह अमृत कलश में मिट्टी संग्रह किया गया है, जहां पर खासकर 7500 कलशों में मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। यहां पर अश्विनी यादव ने कहा है अमृत कलश यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों से पौधे भी लेकर आएगी। यहीं अश्विनी यादव ने कहा कि 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न अभियान अभी कभी काफ़ी लाभदायक रहेगा। यहां पर जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में अश्विनी यादव ने कहा कि उनके नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से भारत की मिट्टी और वीरता का जश्न मनाने के एक अद्भुत विचार है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मनाने के एक अनूठा और नया तरीका है, ताकि आने वाली पीढ़ी के मन में अपने देश के प्रति और वीरों के प्रति सम्मान पैदा कर सके। यहीं पर खासकर उन्होंने कहा कि भारत माता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर एवं वीरांगनाओं को सम्मान देना हर भारतीय का दायित्व है। यही चीज हथौड़ी दक्षिणी में देखने को मिला। घर घर जाकर जैसे ही मिट्टी संग्रह किया गया, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, लड़कियों ने, सभी लोगों ने भव्य ताली बजाकर स्वागत सम्मान किया अश्विनी यादव और उनके सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं का। विशेष कवरेज देखिए, इस अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। भव्य तरीके से जो आयोजन किया गया इन सभी लोगों के द्वारा, आपको बता दें कि आगे आगे शंख बजाते हुए और यहाँ पर घड़ी घंट बजाते हुए चारों तरफ जो माहौल था वो बहुत ही भक्तिमय जैसे लगने लगा। आखिरकार सभी लोगों के दरवाजे पर जाकर शंख बजाना, ये काफ़ी अपने आप में एक मनमोहक लग रहा था, भव्य ये नज़ारा लग रहा था, लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे। विशेष कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष जो शिवशंकर सिंह हैं, उपाध्यक्ष पंकज सिंह, मंडल महामंत्री अर्जुन झा, मुकेश सिंह, गोविंद चौधरी, सोनू सिंह, खासकर पंकज सिंह, श्रीराम पोदार, अमर श्रीवास्तव, जीवस मंडल, सुमित लाल मंडल, प्रशांत सिंह, मनीष शाह, अनिल झा, ऊर्जावान जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि सौरभ झा जो हथौड़ी के रहने वाले हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। उन सभी लोगों के द्वारा यह विशेष कार्यक्रम किया गया है। लोग क्या कार्यक्रम कर रहे हैं हथौड़ी दक्षिणी में आज? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम लोग जो है अपने हथौड़ी दक्षिणी पंचायत में हम लोग घर घर जाकर मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं, और इस मिट्टी को जो है यह मिट्टी सभी पंचायत से हम लोग हर घर जाके लेंगे और एक कलश में रख के इस मिट्टी को हम लोग दिल्ली में अमृत वन बनने जा रहा है। वीर शहीदों के लिए, वीर शहीदों के याद में एक अमृत वन का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूरे देश से मिट्टी जो है उस अमृत वन में रखा जाएगा और वहाँ वृक्ष लगाया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री का जो सोच है कि हर घर का, पूरे देश के हर घर से मिट्टी आए और इस अमृत वन में रहे, इसका एक अलग महत्व होगा। ये जो उद्देश्य है, मतलब एक ही गांव का है या पूरे हायाघाट विधानसभा? जी नहीं, हम लोग जो है पूरे हायाघाट विधानसभा में पंचायत बाय पंचायत रोज़ ये कार्यक्रम कर रहे हैं,
और पूरे हायाघाट विधानसभा में इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। कब तक ये मतलब करके देना है या फिर कब तक ये करना है, क्या है ये? हम लोग ये है 15 तारीख तक जो है इसको हर घर जाकर हम लोग इसको कंप्लीट करने का काम करेंगे। खासकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, क्या कहेंगे खासकर इस क्षेत्र के लिए या फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से भारत एक नई ऊंचाई पे जा रहा, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है तीसरे स्थान पर लाने का उन्होंने संकल्प किया है और निश्चित वो आएगी। और हर घर तक जो है इंदिरावास के माध्यम से हो, शौचालय के माध्यम से हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, तमाम इतने योजना गरीबों के लिए दिए हैं जिसका अगर विवरण करने जाए तो 2 घंटा भी कम पड़ेगा। जितना उन्होंने काम किया है आम जनता तक, घर घर तक, जो काफ़ी सराहनीय है। आज तक इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतने आगे तक सोच कर इतना प्रोग्राम नहीं करने सके हैं जित माननीय प्रधानमंत्री जी कर दिए हैं। जो है माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से G20 का जो है हम लोग को मेजबानी करने का मौका मिला। पूरे जितने भी दिग्गज देश हैं सभी जो है आज इंडिया में, भारत में आए और अतिथि सम्मान इनका बहुत हुआ। इससे पूरे विश्व में मोदी जी का डंका और पूरे भारत का डंका बज रहा है। भारत जिस रफ्तार से मोदी जी के कार्यकाल में आगे बढ़ रहा है वो दिन बहुत दूर नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में देश विश्वगुरु बनेगा और निश्चित जो है मोदी जी के ये कार्यकाल में ही होगा। थैंक यू। संदेश देंगे, हथौड़ी दक्षिणी में खड़े हैं आज। आज जो है सो देश के विश्वकर्मा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि अभी भारत जो है सो अमृत महोत्सव मना रहा है। इस साल जो हम लोग का है अमृत महोत्सव जो है सो मनाया जा रहा है, जिसमें एक दिल्ली में आपको शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, यानी कि अमृत वन, उसमें जो है सो हर घर से हम लोगों को मिट्टी लेके भेजना है, प्रखंड में जाना है, प्रखंड से जिला जाएगा, जिला से हम लोग को पटना जाएगा, पटना से ट्रेन के द्वारा दिल्ली जाने का ये काम करेगा। उस अमृत सरोवर जो बन रहा है हम लोग का, उसमें यह मिट्टी का डाला जाएगा और पूरे देश से ये मेरे मन मन हम लोग तो मंडल बहेरी दक्षिणी और हयाघाट विधानसभा से हैं, बहेरी दक्षिणी हथौड़ी दक्षिणी पंचायत में है, लेकिन पूरे देश में यह प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को शुभकामना देते हैं, उनको उज्ज्वल भविष्य के लिए, उनको दीर्घ आयु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह अभियान के चलते पूरे देश में, पूरे जिला में, पूरे गांव में, पूरे बस्ती में, पूरे झुग्गी झोपड़ी में इतना नरेंद्र मोदी के लिए उत्साह है जनता के बीच में। जहां हम लोग जाते हैं नरेंद्र मोदी का नारा बच्चा लगाते हैं, माता लगाते हैं, बहने लगाते हैं, पूरा का पूरा उत्साह है। हमारे कार्यकर्ता हर घर जाके हाथ में जो है कलश लेके हर घर से मिट्टी लेने का काम कर रहे हैं। कहाँ पर किए हैं आज? हम लोग बहेरी दक्षिणी के हथौड़ी दक्षिणी पंचायत में है। यहाँ एक उर्मिला देवी है, राजेंद्र सिंह स्वतंत्रता सेनानी, उनके पत्नी से हम लोग मिले हैं, उनको सम्मान किए हैं और उनसे मिट्टी लिए हैं। उनके इस शहीद के घर गए हम लोग और बहुत उल्लास है। सैनिक भी थे जो रामविलास जी सैनिक थे, उनके घर भी हम लोग गए हैं, हथौड़ी दक्षिणी में ही पढ़ते हैं। और कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, कार्यकर्ता के बीच में बहुत अच्छा है। हमारे साथ हयाघाट विधानसभा के वरिष्ठ नेता अश्विनी यादव जी भी हैं और हमारे महामंत्री अर्जुन झा जी भी हैं और उपाध्यक्ष पंकज सिंह भी हैं, युवा कार्यकर्ता मुकेश सिंह भी हैं और बहुत सारे लोग जो है सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और सारे हम लोग मिल के आज घर घर जा रहे हैं और इस उल्लास के साथ इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। प्रेस नोट तैयार के लिए तो इनमें मेरा बाकी मेरा देश, वीर शहीदों का।